थाना बादलपुर पुलिस व गौ तस्कर बदमाशों के बीच अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री के पास हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर अभियुक्त जमील उर्फ जालिम पुत्र सलीम निवासी गोंदी सलाई थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ उम्र करीब 44 वर्ष जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल व गिरफ्तार हो गया है। घायल बदमाश का साथी अफजाल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, रस्सा बोरा तथा 2 छुरी आदि बरामद किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। बदमाश के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए नोएडा से उपेंद्र सिंह तोमर की खास रिपोर्ट। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के मार्गदर्शन में सातिर चोर लुटेरों अपराधियों आज के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 1 दिसंबर को बादलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह अपनी बाइक मुड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो अम्बुजा सीमेंट के पास कच्ची रास्ते में इनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से इन बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जमील उर्फ जालिम निवासी हापुड़ के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया। उसका दूसरा साथी अफजाल निवासी हापुड़ मौके का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। पूछताछ में बताया कि ये लोग गौकसी से संबंधित अपराध कार्य करते थे और इनके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लगभग 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।